अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग ड्रीम्स विद साइखा। इट्स स्नैक टाइम, गोभी मंचूरियन टाइम। पहले हम गोभी के फूल को मैरिनेट करेंगे। एक बाउल लेंगे और इसमें जाएगा 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून अजीनोमोटो, थोड़ा रेड कलर और थोड़ा ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर जाएगा। इन सबको हम मिक्स करना होगा और इसमें जाएगा 1 टीस्पून दही और 1 टीस्पून लेमन जूस और 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल। इन सबको हम मैरिनेट करेंगे। इसमें हम अच्छा क्लीन किया हुआ गोभी डालेंगे जो सूखा हुआ है। गोभी में पानी नहीं रहना चाहिए, अगर पानी होगा तो सीधा कोट नहीं होगा। देखिए इस तरह से हाथों से हमें गोभी को कोट करना होगा मसाले में, पूरा मसाला अच्छे से मिल जाना चाहिए। अब इसको हम आधा घंटा या 1 घंटे के लिए हम इसको रखेंगे ताकि मसाले गोभी के अंदर जाए। ये देखिए कितना अच्छा सा मैरिनेट हुआ है, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कोट हुआ है। अब हम कढ़ाई लेंगे और उसमें तेल डालेंगे और हम तेल गर्म होने तक वेट करेंगे, तेल को चेक करेंगे और अब हम इसमें गोभी डालेंगे। गोभी डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गोभी को अच्छे से फ्राई होना चाहिए। जब हम गोभी डालते हैं तो एक एक करके डालना होगा, एकदम से नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो चिपक जाएगा। अलग अलग डालेंगे तो अलग अलग होगा। देखिए इस तरह से हमें गोभी को तेल में से निकाल कर अलग साइड में रख लेना चाहिए। आप चाहें तो बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये मैंने सेकेंड ट्रिप डाला है तो इसका भी हो चुका है। अब ऐसा करके जितने भी गोभी थे मेरे पास उन सबको मैंने डीप फ्राई कर लिया है। अब इन सबको तेल में से निकाल कर थोड़ा बटर पेपर पे रख के एक्सेस ऑयल को निकाल रही हूँ। अब एक बाउल लेंगे और इसमें हम 1 या 2 टीस्पून ग्रीन चिल्ली सॉस, रेड चिली सॉस और सोया सॉस डालेंगे और 1 टीस्पून हम डालेंगे टोमेटो केचप यानी टोमेटो सॉस। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे और इसको साइड में रख देंगे। ये देखिए क्रिस्पी गोभी मैंने फ्राई किया है। और अब कढ़ाई लेंगे और अब कढ़ाई में हम गोभी का मसाला बनाएंगे। तो पहले 1 टेबल स्पून तेल लेंगे, उसमें गार्लिक डालेंगे, फ्राई करने छोड़ेंगे, फिर डालेंगे ऑनियंस, फिर डालेंगे करी पत्ता, इसको फ्राई करेंगे और फिर डालेंगे ग्रीन चिली जो चॉप किया हुआ है और फिर हम डालेंगे इसमें कैप्सिकम। हम इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेना चाहिए। इसको हिला हिला कर अच्छे से फ्राई करना होगा ताकि कैप्सिकम थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून रेड चिल्ली सॉस, 1 टीस्पून ग्रीन चिल्ली सॉस और 1 टीस्पून टोमेटो केचप यानी टोमेटो सॉस। इन सबको हम मिलाकर डाल देना चाहिए। और अब मैंने थोड़ा सा जो मसाला मैंने बनाया था गोभी के फूल के लिए, तो उस मसाले को मैं 1/2 टीस्पून मसाला लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाकर इसमें डाल रही हूँ ताकि थोड़ी ग्रेवी बन सके।
देखिए अब इसमें हम डालेंगे हमारे क्रिस्पी गोभी के फूल जो हमने ऑलरेडी फ्राई करके रखा हुआ था। तो अब इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा हनी, यानी आपके टेस्ट के मुताबिक डालिए। मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून हनी डाला है। हनी डालने से थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा, तो मैंने हनी डालकर इसको अच्छे से मिक्स किया है। अब हमको गैस को बंद कर देना है और इस पर जाएगा अब धनिया के पत्ते और स्प्रिंग अनियंस। ये दोनों को डालकर अच्छे से मिक्स करके हमको डिश आउट करना होगा। हनी ऑप्शनल है, आप चाहिए तो डालिए। देखिए ये मैंने डिश आउट किया है। आप भी देखिए, बनाइए और खाइए, और खा के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। ये देखिए इसका शाइन कितना प्यारा है और इसका टेस्ट भी बढ़िया है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।